हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हलवाई स्टाइल मटरी की रेसिपी। और इस रेसिपी से आप घर पर ही बहुत ही आसानी से एकदम हलवाई स्टाइल बाजार जैसी खस्ता मटरी बनाकर तैयार कर लोगे। और इन मटरी को आप एक बार बनाकर आराम से एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें और उसके बाद आप इनको एक महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए फिर इन मटरी को बनाना शुरू करते हैं। तो मटरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो यानी कि आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं एक बाउल में ऐड कर रही हूँ 2 कप मैदा। और अगर आप मैदा यूज करना नहीं चाहते तो आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हो। और अब इन मटरियों को बहुत ही खस्ता बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी ये 1/3 कप बारीक वाली सूजी। अगर चम्मच में बताऊँ तो करीब ये 6 चम्मच सूजी है। और अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल सूजी को मिक्सी में डालकर चला लें और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। और अब मैं इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए ऐड करूंगी ये 2 चम्मच बेसन। बेसन डालना ऑप्शनल है, लेकिन बेसन डालने से हमारी मटरी का स्वाद बिल्कुल ऐसा आता है जैसा कि हल्दीराम की मटरी का आता है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1/2 चम्मच कलौंजी और 1/2 चम्मच अजवाइन। अगर आपके पास कलौंजी या अजवाइन में से कोई एक है तो तब आप उसको 1 चम्मच ऐड करें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। और कस्तूरी मेथी को हाथ से थोड़ा सा ऐसे में मसल कर ऐड कर दूंगी। कस्तूरी मेथी, अजवाइन और कलौंजी से भी हमारी जो मटरिया का स्वाद है वो कई गुना बढ़ जाता है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है ये स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये करीब 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1/4 कप ऑयल। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। और अब इन सारी चीज़ों को हम ऐसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और अच्छी खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि हमने इसमें ऑयल डाला है उसका रेशो एकदम सही हो, क्योंकि अगर ऑयल का रेशो एकदम सही नहीं होगा तो भी हमारी मटरी अच्छी खस्ता नहीं बनेगी। और तेल का रेशो सही है या नहीं तो उसके लिए जब तेल अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसको ऐसे बाइंड करके देखें तो आप देख सकते हो ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसका मतलब जो हमने इसमें तेल ऐड किया है उसका रेशो एकदम परफेक्ट है। और आप तेल की जगह यहाँ घी का यूज भी कर सकते थे। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छा सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। जैसा आटा हम पूरी के लिए लगाते हैं हमें उससे भी सख्त डो यहाँ लगाकर तैयार करना है। इस डो को लगाने में आपको थोड़ी सी मेहनत होगी क्योंकि हमें अच्छा टाइट डो लगाकर तैयार करना है। और अगर आप इन मटरी को गर्मियों में बना रहे हो तो आप रूम टेम्परेचर पर पानी का यूज करें, लेकिन अगर आप सर्दियों में मटरी बना रहे हो तो आप थोड़ा सा लुकवॉर्म पानी ले, उससे डो अच्छा बनता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है। और इतने डो को लगाने में मुझे करीब 1 कप से भी थोड़ा सा कम पानी लगा है, क्योंकि मैंने 1 कप पानी लिया था और इसमें से करीब 2 से 3 चम्मच पानी बच गया है। तो अब इस डो पर हम थोड़ा सा ऐसे तेल लगा देंगे जिससे कि डो अच्छे से सेट हो जाएगा और ये ड्राई नहीं होगा। और उसके बाद हम इसको ढककर करीब 20 से 25 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा और जो हमने इसमें सूजी डाली है वो भी बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। तो अब मैं इसको ढक दूंगी और साइड में रख दूंगी। और अब डो को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और डो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है, सूजी भी अच्छे से फूल गई है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो डो अच्छा सख्त है। तो हमें मटरी बनाने के लिए बस बिल्कुल ऐसा ही डो लगाकर तैयार करना है। तो मैं डो को थोड़ा सा ऐसे हाथ से मसलते हुए थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगी और उसके बाद हम इससे मटरी बनाएंगे। तो हमारा स्मूथ और एकदम टाइट डो लगकर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें से हम थोड़ा सा डो लेंगे छोटे बोल के साइज का और ऐसे लोई तैयार करेंगे। आप मटरी को अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा छोटा या बड़ा जैसा भी आपको पसंद हो बनाकर तैयार कर सकते हो। और लोई को भी हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है। और लोई बनाने के बाद हम उसको बस ऐसे अंगूठे से थोड़ा सा फैला देंगे। हमें मटरी यहाँ बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी पतली नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि बाजार में मटरी थोड़ी सी मोटी आती है, तो बस ऐसे ही हम मटरी तैयार कर लेंगे। और इन मटरियों को बेलने के लिए हमें बेलन या किसी भी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे ही इसमें से थोड़ा सा
डो लेते जाएंगे और फिर अंगूठे से ऐसे प्रेस करते हुए जैसा कि आप देख रहे हो हम मठिया तैयार कर लेंगे। तो बस अब ऐसे ही हम सारी मठरियों को बनाकर तैयार कर लेंगे और जब ये सारी मठरी बनकर तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। और मठरियों को बनाकर आप साइड में ढककर रखिए जिससे कि मठरी ड्राई नहीं होगी और फिर हमारी अच्छी खस्ता मठरी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी मठरियों को बनाकर तैयार कर लिया है और अब इन मठरियों को हम फ्राई करेंगे। तो मठरियों को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है और तेल को मैंने अभी मीडियम हीट पर गरम किया है। और मीडियम हीट पर जब तेल थोड़ा सा गरम हो गया है, तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, आप देख सकते हो जो कि हमने इसमें थोड़ा सा अभी डो डाला था वो तुरंत ही तैरकर ऊपर नहीं आया, उसको थोड़ा सा समय लगा है, इसका मतलब तेल एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इन मछलियों को फ्राई करेंगे। तो एक एक करके जितनी मछलियाँ एक बार में तेल में आएगी हम तेल में डाल देंगे और उसके बाद इन मठरियों को हम अब लो फ्लेम पर जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि मठरी अच्छी सुनहरी कलर की नहीं हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने मठरी तेल में डाली पहले वो कढ़ाई में नीचे जाके बैठ गई है, लेकिन अब जैसे जैसे हम इनको फ्राई करते जाएंगे करीब 1.5 से 2 मिनट में ही मठरियाँ तैर कर ऊपर आ जाएगी। और हमें बस तेल बिल्कुल इतना ही गर्म करना है कि पहले मठरी नीचे जाकर बैठ जाए और थोड़ी देर बाद मठरी ऊपर तैर कर आने लगेगी। और जब अब मठरी तैर कर ऊपर आ गई है तो अब इन मठरियों को हम अलटते पलटते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि मठरी अच्छी सुनहरी कलर की ना हो जाए। और इन मठरियों को फ्राई करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, क्योंकि जब हम इनको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तभी हमारी अच्छी मठरी बनकर तैयार होगी। क्योंकि अगर हम इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो उससे मठरी का बाहर से तो कलर चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से मठरी कच्ची रह जाएगी। तो मठरियों को फ्राई करते हुए थोड़ा सा समय लगता है लेकिन आप इनको आराम से पेशेंस से फ्राई करें। और अब मठरियों को फ्राई करते हुए मुझे करीब 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट बाद आप देख सकते हो कि मठरी का कलर कितना अच्छा आ गया है। और अभी मठरी अच्छी गर्म है और इनका कलर बाहर निकालने के बाद भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अब इन मठरियों को हम एक किचन पेपर पर निकाल लेंगे जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो पेपर पर आ जाएगा। और उसके बाद हम बाकी बची हुई मठरियों को भी ऐसे ही फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और इन मठरियों को बनाना बहुत ही आसान है, बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें डो अच्छा टाइट लगाना है और जब हम इनको फ्राई करते हैं तो हमें इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो एक बार की हमारी मठरी फ्राई हो चुकी है, मैंने उनको साइड में निकाल लिया है, तो अब हम बाकी बची मठरियों को भी फ्राई कर लेंगे। और इन मठरियों को आराम से आप फ्राई करके रख ले और जब ये अच्छे से पूरी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद आप इनको एयर टाइट कंटेनर में भर के आराम से 1 महीने तक भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ हमारी खस्ता क्रिस्पी मसालेदार एकदम बाजार जैसी हलवाई स्टाइल मठरी बनकर तैयार है। और आप भी इन मठरियों को बनाइए और आपकी मठरी कैसी बनती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।